हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं YT स्टूडियो में जो भी अर्निंग होती है उसके बारे में, कि अगर आप YT स्टूडियो यूज़ करते हो उसमें आप अर्निंग कैसे देख सकते हो और आपकी अर्निंग किस तरह आप बढ़ा सकते हो वो भी आपको यहाँ पता चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, YT स्टूडियो खोल देना है एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप YT स्टूडियो खोलेंगे तो उसके बाद आपको क्या जाना है, एनालिटिक्स पे क्लिक करना है। आपको लास्ट में जो दिखाई पड़ेगा अर्निंग, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है RPM, क्या RPM में रेट पर मिलियन, ठीक है, ओके। इसमें आपको पता चलेगा लाइफ टाइम का मेरा है 0.07। आप देख सकते हो कि मेरा RPM चेंज होता रहता है, कभी बढ़ा है कभी कम हुआ है। ये सबसे ज़्यादा अब तक का हुआ था RPM मेरा, इसलिए इसका मीनिंग ये होता है कि RPM का मीनिंग क्या होता है, 1000 के आपने कितने पैसे मिलेंगे, कितने डॉलर, इसकी बात है। 2.16 है तो उस दिन में 1000 हो गए तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। वो एवरेज होती है, सब वीडियो के बारे में बात है, किसी की कम हो ज़्यादा हो ऐसा होता है। RPM का मीनिंग 1000 आपके चैनल को आप आए तो आपके चैनल से आपको कितने पैसे मिलेंगे उसके बारे में बात है, ठीक है। आपको RPM के बारे में पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन, मैंने अब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया होगा, आपको पता होगा कि ट्रांजेक्शन के लिए $100 पूरे होने चाहिए, वो अब तक मेरे नहीं हुए। अब एड टाइप से, एड टाइप से आपके कौन कौन से एड है अपने चैनल पे आए हैं उनके बारे में बात करनी है। एड टाइप यानी कि आपकी यूट्यूब चैनल पे स्किपेबल एड इतनी थी, डिस्प्ले एड इतनी आई थी, नॉन स्किपेबल एड इतनी थी, बम्पर एड भी कितनी परसेंटेज थी, वो आपको याद दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है टॉप अर्निंग वीडियो, कि मेरे जो टॉप की वीडियो जिन्होंने अर्निंग ज़्यादा की है उसकी लिस्ट है, तो आपको पता चलेगा कि इन वीडियो से आपको सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई, इस वीडियो से आपको कम अर्निंग हुई, आपको इस वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना है। और टॉप जियोग्राफी बाय CTR, आप देख सकते हो क्योंकि मैंने वीडियो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा चलते, इंडिया का ही CPM आपको ज़्यादा दिखाई देगा। मैं लाइफ टाइम भी देख लेता हूँ, ठीक है, तो लाइफ टाइम में मेरा इंडिया का जो CPM दिखा रहा है 0.93। क्योंकि CPM का मीनिंग होता है, जो मीडियम होता है, पोस्ट पर होता है मीडियम, यानी कि जो भी 1000 व्यूज की लीड होती है, यानी कि आपकी जो भी एड्स आती है उसकी लीडिंग होती है, बोली लगती है, वो बोली है 0.93, उसमें से कुछ परसेंटेज यूट्यूब रखता है और बाकी के हमें देखते हैं। CPM उसे कहते हैं, आपकी यूट्यूब की जो भी एड्स आती है उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको पता चलेगा। अगर आपकी यूट्यूब पे CPM $1 है तो आपको $1 में मिलता है, उसमें 45 यूट्यूब रहता है, 55% आपको मिलता है। उसी तरह CPM होती है, आपकी CPM ज़्यादा करने के लिए आपको भी फॉरेन से ज़्यादा आए तभी आपकी CPM बढ़ेगी, इंडिया से जीरो आएगी तो आपकी CPM नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको उसी रिकमेंडेशन करता हूँ कि आप ऐसे भी वीडियो बनाए इंग्लिश में ना हो, आपको ना आए तो आप उसमें सब टाइटल इंग्लिश में रख सकते हो, ठीक है, तो उससे भी व्यू आते हैं फॉरेन से, ठीक है। अगर आपके कोई फ्रेंड हो, आपका फ्रेंड फॉरेन में रहता हो, आप इंडिया में हो, तो उसे भी आप कह सकते हो कि मेरे वीडियो आप तुम्हारे फ्रेंड जो भी इंडियन फ्रेंड है उनको भी भेजो ताकि वो देखे और आपकी चैनल अच्छी तरह चले, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं डिस्क्रिप्शन को आपको ऐसे वीडियो भेजो की लिंक दूंगा जिससे आपको पता चले कि आपकी यूट्यूब चैनल किस तरह आप ग्रोथ कर सकते हो, और जो भी टॉप के यूट्यूबर है उन्होंने भी अपनी यूट्यूब चैनल किस तरह ग्रोथ की है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। वीडियोस बनाते रहते हैं तो
आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर